नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी पेट की समस्याओं के निदान के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा जहां से मिलती है उसका मुख्य पार्ट है हमारे शरीर का पेट। जी हाँ, कुछ भी हम खाते हैं वो पेट में जाता है और जब सही ढंग से हजम होता है तो ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिल पाती है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स को। आइए इसीलिए आज हम सभी जानते हैं पेट की जलन एवं भीतरी सूजन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, चांगेरी के पत्ते ठंडाई यानी कि भांग की भांति घोंट कर पीने से पेट की जलन शांत हो जाती है। इसके अलावा सौंठ और जीरा पीसकर खाने से पेट की जलन दूर हो जाती है। ज्वार का आटा पानी में गाढ़ा गाढ़ा उबालकर रात में रख दें, उसमें सफ़ेद जीरा मट्ठा मिलाकर के पीने से जलन मिट जाती है। बकरी के मूत्र में सनाय पीस करके पीने से पेट की जलन दूर हो जाती है। और इसके लिए एक अन्य उपयोग भी जान लीजिए, 60 ग्राम अनार दाने को 1 लीटर पानी में डाल करके मिट्टी के घड़े में रख दें, 2 से 3 घंटे के बाद यह पानी मिश्री मिला करके पीने से पेट की जलन मिट जाती है। इसके अलावा आइए जान लेते हैं, अगर आपके अमाशय में दर्द हो रहा हो तो उससे कैसे आप निजात पाएंगे। पटोल के 5 तोला बीजों का क्वाथ बना करके 2 बार पीने से अमाशय का दर्द मिट जाता है। चंपा के फूलों का क्वाथ बना करके पीने से अमाशय की निर्बलता और दर्द खत्म हो जाते हैं। मूली के रस में नमक मिला करके पीने से अमाशय का शूल मिट जाता है। इसके अलावा बबूल का गोंद पानी में घोल कर पीने से आंतों और अमाशय का दर्द मिट जाता है। आपको बबूल के गोंद को पानी में घोलना है और उसे पी जाना है। आम की भुनी हुई गुठली की गिरी का चूर्ण बना करके खाने से आंतों का ढीलापन मिट जाता है। इसके अलावा 100 ग्राम पुदीने का रस गर्म कर लीजिए, उसमें 9 माशा शहद और 4.5 माशा नमक मिला करके सेवन करने से वमन होकर के अमाशय के विकार दूर हो जाते हैं। जी हाँ, जब इसका आप सेवन करेंगे तो उल्टियाँ होंगी, इसके साथ ही इसके विकार सारे मिट जाएंगे। बबूल के कोमल पत्ते, काली मिर्च और शक्कर पानी में पीस करके पीने से अमाशय का रुधिर बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी जान लीजिए, 1 सेव छील करके उसमें जितनी भी लौंग आ सके चुभो दीजिए। उसके बाद सेव को किसी सुरक्षित स्थान में रख दीजिए। 40 दिनों के बाद लौंग को निकाल करके किसी शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। भोजन के बाद यह 1 लौंग चूसने से अमाशय के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वो कुछ जानकारियाँ थी जिसके सहारे आप अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं, पेट की जलन को दूर कर सकते हैं, सूजन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अमाशय के दर्द को भी आप मिटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही उपयोगी जानकारियाँ थी। लेकिन होममेड रेमेडीज़ का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि इनमें थोड़ा सा वक्त लगता है आपके लिए, जब भी आप प्रयोग करते हैं तो इसका इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इसलिए लंबे समय तक और आप पेशेंस के साथ इसका इस्तेमाल करते रहें, आपको लाभ होगा इसका। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।